फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रियल एफएक्स में। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में आपका बहुत अधिक प्यार मिला, सपोर्ट मिला। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले टाइम में भी आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बना रहेगा। जैसा कि साथियों आपको पता है कि अभी यहाँ पर रियल एफएक्स प्लेटफॉर्म पर बिगनर टू प्रो लेवल तक का कोर्स फ्री में चल रहा है और इसमें हमने कुछ टॉपिक क्लियर करे हैं बेसिक के। आज का जो टॉपिक होने जा रहा है साथियों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, इसीलिए जो फ्रेंड्स नए हैं चैनल पे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड के साथ शेयर करें, जिससे कि जो फ्रेंड्स आपके ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं वो भी ट्रेडिंग की नॉलेज को गेन कर सके। जैसा कि मैंने आपको बताया फ्रेंड्स कि आज का टॉपिक जो है एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। अभी तक तो हमने बेसिक के बारे में बात करी थी, आज जो हम बात करेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि एक किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, या फिर आप बात करें तो फॉरेक्स में, या फिर किसी भी ट्रेडिंग में एक सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत अहम वैल्यू रखता है और इम्पोर्टेंट पार्ट्स होता है। इसको समझने में ही लोग को बहुत दिक्कत आती है, इसी को ही लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको यहाँ पर क्लियर करके बताऊँगा। इससे पहले मैं आपको अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के टॉपिक पे ले जाऊं। जो साथी यहाँ पे यूरो यूएसडी और गोल्ड के ट्रेडर्स हैं और फ्री सर्विस का फ़ायदा उठाना चाहते हैं रियल एफएक्स के ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म का, तो टेलीग्राम सर्विस को ज्वाइन करें रियल एफएक्स के, जो हाँ फ्री में आपको रियल एफएक्स अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस को वहाँ पर शेयर करता है। चलिए साथियों, अब बात करते हैं हम अपने आज के टॉपिक पे। फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया आज का जो टॉपिक है हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फ्रेंड्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एक ट्रेडिंग का रीढ़ की हड्डी होती है। जो इसको आइडेंटिफाई करना सीख जाता है वो लगभग 50% ट्रेडिंग के नॉलेज को गेन कर चुका होता है। एक्चुअल सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बहुत ही टफ होता है, जो कि लोग नहीं निकाल पाते हैं। आज मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको कहते हैं। जैसे कि साथियों किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में दो ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, जैसे कि आपका सप्लाई जोन होता है और आपका डिमांड जोन होता है। सप्लाई का मतलब जहां से मार्केट ड्रॉप हो उसको हम कहते हैं सप्लाई जोन, और डिमांड का मतलब होता है साथियों जहां से मार्केट हमारी अपसाइड में जाए, यानी बायर में हो, तो वहाँ पे हम कहते हैं ये डिमांड जोन। ये जोन हमारा डिमांड जोन कहलाएगा और ये जोन हमारा सप्लाई जोन कहलाएगा। अब यहाँ पे मैं आपको लेकर चलता हूँ, बताता हूँ किस तरह से यहाँ पे सप्लाई और यानी सपोर्ट और रेजिस्टेंस वर्क करता है। फ्रेंड्स, ये जैसे कोई यहाँ पे मार्केट का प्राइज है, ये आपका प्राइज हमारा गोल्ड का है। इसको मानते हैं कि ये 20-40 यानी 20 और 40 अभी गोल्ड का प्राइज चल रहा है। इस प्राइज से मार्केट यहाँ पे अप जाएगी, यानी यहाँ पे डाउन साइड आई, यानी मार्केट अब इसको अप लेके जाती है, तो मार्केट यानी यहाँ पे बायर्स जाएंगे, बायर्स यहाँ पे इस तरह से बायर्स अप डाउन करते हुए मार्केट को यहाँ से इस तरह से, कभी भी मार्केट्स एक सीधे डायरेक्ट बाई नहीं जाएगी और धीरे धीरे करके ऊपर जाएगी, नीचे जाएगी, और ये इस तरह से अब एक आके यहाँ पे ये जो है हाई प्राइज आ जाता है साथियों। इस हाई प्राइज को, ये जो प्राइज आया अब ये आपका आ गया 2100। कितना आ गया फ्रेंड्स? 2100 प्राइस आ गया। अब 2100 का मतलब कि आपका 55,000 यानी 55,000 यहाँ पे गोल्ड का रेट पहुंच गया और ये डाउन आ गया। अब यहाँ पे जहां से मार्केट अप साइड में जाना शुरू करी उसको फ्रेंड्स हम यहाँ पे जहां से अप साइड में जाना शुरू करती है उसको हम बोलते हैं सपोर्ट। ये हमारा काम करेगी सपोर्ट का, और इसको बोलते हैं जहां पे मार्केट का हाई प्राइस होता है और जहां से रिजेक्शन शुरू होता है वहां पे हम कहते हैं वो रेजिस्टेंस है। सिंपल सी भाषा में आपको मैं बताऊं फ्रेंड्स, तो जहां से रिजेक्ट मार्केट होती है वो आपकी कहलाती है रेजिस्टेंस, और जहां से मार्केट हमारी बाउंस बैक लेती है गिरने के बाद, अब जैसे मार्केट यहाँ से ड्रॉप होना शुरू हुई और ड्रॉप होते होते यहाँ से मार्केट गई और मार्केट ने यहाँ से अप साइड में गई, तो यहाँ पे ये सपोर्ट लिया इसने।
क्योंकि मार्केट ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये पहली से यहाँ पे बायर बैठे हुए हैं और मार्केट ने इसको सपोर्ट दिया और सपोर्ट देने के बाद ऊपर को गई, तो इसको हम बोलते हैं सपोर्ट। जहाँ से मार्केट ड्रॉप होती है, यानी यहाँ से मार्केट ने ड्रॉप होना शुरू किया और यहाँ से मार्केट ड्रॉप होते होते यानी सेलर हावी हुए, यहाँ पे हाई प्राइस था इस वजह से यहाँ पे सेलर हावी हुए और सेलर ने हावी होते हुए नीचे को यहाँ पे गिराया और गिराने के बाद ये रेजिस्टेंस आया। तो अब यहाँ पे पता है लोगों को यानी ट्रेडर्स को कि यहाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस के ट्रेडर्स को कि सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने ली थी और यहीं से मार्केट ने बाउंस बैक, इस तरह से मार्केट जब ऊपर से आ रही थी गिरती हुई तो यहाँ से बाउंस बैक गई थी, तो यहाँ से ये सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेने के बाद फिर मार्केट यहाँ से अप साइड में जाती है और अप साइड में जाएगी तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये ने इसने मार्केट ने ये आपका S2 हो गया। और ये आपका यहाँ से जब मार्केट ने ड्रॉप हुई थी, ये जो आपकी मार्केट यहाँ से दोबारा जो जाके यहाँ से ड्रॉप आई, तो ड्रॉप आने के बाद ये R हुआ, R1 और ये R1 हुआ। तो अब फ्रेंड्स अब आपको मैं यहाँ पे क्लियर करूंगा कि किस तरह से मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का वर्क करती है। सपोर्ट को हम एज ए डिमांड के तौर पे काम कर बताते हैं, ये हमारा डिमांड जोन होता है, डिमांड काम करता है, यानी यहाँ पे हमारे पास सपोर्ट पे बायर बैठे होते हैं, बायर्स है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस पे आपका यहाँ पे सेलर बैठे। अब साथियों इसको ध्यान से देखना और बिना स्किप करे पूरी एक एक पॉइंट को सुनना, क्योंकि कौन सा पॉइंट आपके माइंड को क्लिक करे तो और सपोर्ट रेजिस्टेंस को आप आइडेंटिफाई करना और आपके माइंड में पूरा का पूरा बैठ जाए। अब एग्जांपल के तौर पे मैं बात करता हूँ रेजिस्टेंस किसको कहते हैं एग्जाम्पल बता के। जैसे कि फ्रेंड्स आपको यहाँ पे ये कोई एक अननोन प्लेस है, अननोन प्लेस के बाद जो है यहाँ पे मार्केट गई, ये आपका यहाँ से मार्केट है और इस प्राइस पे यहाँ पे दो यहाँ पे एक प्लॉट कटिंग होती है और प्लॉट कटिंग करने के बाद यहाँ पे जो आपके पास है मकान से इस तरह से मकान है, मकान की वैल्यू साथियों बायर और सेलर दो ही मार्केट में ट्रेडिंग ऑप्शन होते हैं और जिसके बाद जो है मार्केट यहाँ पे चलती है। ये मकान से बहुत सारे और यहाँ पे रजिस्ट्री हो चुकी है यानी नई प्लॉटिंग हुई है और इसमें जो है बहुत सारे मकान हमारे यहाँ पे है। अब यहाँ पे हाई रेट है, इस मकान की कीमत हमारे पास है 1 CR, कितनी है फ्रेंड्स 1 करोड़ रुपए एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो यहाँ पे जैसी 1 करोड़ रुपए है तो 1 करोड़ रुपए देखते हैं यहाँ पे अभी नया है, कोई प्रोजेक्ट नहीं है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे इन मकान की प्लॉट की यानी फ्लैट की कीमत जो है हमारे पास 1 CR है। तो यहाँ पे जैसे ही बाहर जाते हैं अभी कोई सा भी यहाँ पे सेलर सेलर हावी है क्योंकि यहाँ पे कोई भी अभी नई प्लॉटिंग हुई है, नई प्लॉटिंग होने के बाद जो है इनकी वैल्यू गिरती है, वैल्यू इतनी अधिक रख दी यहाँ पे सप्लायर ने कि मार्केट में यहाँ पे जो बायर्स हैं इनको बहुत अधिक लग रहा है। तो यहाँ पे जब बायर्स की संख्या यहाँ पे क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि यहाँ पे क्या है हमारे पास सेलर्स हैं, तो सेलर्स हैं तो यहाँ पे कोई खरीदना नहीं चाहेगा ये 1 CR में। तो 1 CR की बात करें तो ये जो आपके पास सेलर यहाँ पे हैं इसको खरीदना नहीं बेचना चाहते हैं हर कोई यहाँ पे जाकर, तो खरीदना नहीं चाहते। तो यहाँ पे मैक्सिमम सेलर है, कितने सेलर हैं मैक्सिमम आपके पास सेलर हैं साथियों और सेलर की संख्या अधिक है। एग्जाम्पल के तौर पे 100 यहाँ पे सेलर हैं तो यहाँ पे 1 से 2 बायर होंगे जो नए बंदे हैं यानी नए ट्रेडर हैं, इसीलिए यहाँ पे बायर हैं, तो इसीलिए यहाँ पे कोई भी चीज बाई नहीं करेगा, यहाँ पे हर कोई सेल करेगा। तो आपका ये प्राइस जो है मार्केट में 1 CR है, तो कुछ सेलर यहाँ पे कहते हैं इन बायर से एक जो एक दो बायर हैं कि भाई मैं जो अपने फ्लैट की कीमत है आपको यहाँ पे 80 लाख रुपए देता हूँ, कितने देता हूँ 80 लाख रुपए देता हूँ। 80 लाख देने के बाद जो है तो 80 लाख में ये जो बायर है यहाँ पे इस बायर को अब ये जो प्राइस यहाँ पे A1 CR था, ये प्राइस की बात करें यहाँ पे 1 CR था फ्रेंड, वन सी आर था, तो यहाँ पे ये अब कितना आ गया 80 लाख रुपए आ गया। अब यहाँ पे 80 लाख आ गया तो ये बायर चालाक से थे भाई, ये वाले जो स्टूडेंट ट्रेडर थे स्मार्ट ट्रेडर थे वहां पे यहाँ पे बायर बैठे थे, इनको प्राइस को यहाँ लेके आना था, तो यहाँ पे जब देखा कि अब इनके सेलर्स के भाव गिरने लगे हैं, इनके मकान के भाव गिरने लगे हैं, तो इन्होंने कहा कि वेट करते हैं कुछ रिटेल आए, एक दो इन्होंने यहाँ पे बाई करी, फिर मार्केट ने इन्होंने कहा कि यार
अभी तो यहाँ पे कुछ नहीं है, वीराना है यहाँ पे। कोई भी प्लॉटिंग हुई है, जो भी प्लॉटिंग हुई है, यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट वोजेक्ट कुछ नहीं है हमारा। और यहाँ पे मार्केट आने के बाद एक सेलर ने कहा कि यार मैं अपना नुकसान क्यों करूँ, मैं इसको यहाँ पे बेच देता हूँ 8.5 लाख, 60 लाख में। अब ये जो प्राइस यहाँ पे आया फ्रेंड्स, तो ये प्राइस यहाँ पे हो गया 60 लाख। तो 60 लाख में होने के बाद जो है मार्केट ने अब इसको प्राइस को यहाँ पे 60 लाख कर दिया। तो 60 लाख में एक दो मकान यहाँ पे फ्लैट जो है हमारे खैर बिक गए, यानी यहाँ पे बाई हुए। तो ये बाई हल्की सी ऊपर गई 80 लाख तक। फिर 80 लाख के बाद जैसे ही यहाँ पे 80 लाख पहुंचा, तो यहाँ पे सेलरों ने सोचा कि हमारे पास फ्रेंड्स की सेलर ने सोचा कि जैसे ही अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ 80 लाख पे, तो क्या पता मेरे को यहाँ इसकी वैल्यू, यहाँ पे अभी तो कुछ आने वाला प्रोजेक्ट नहीं है, यानी बिराना है, कोई सुख सुविधा नहीं है, तो ये 80 लाख भी मिले ना मिले, तो यहाँ पे 80 लाख को इन्होंने सेल करना शुरू कर दिया। तो दो तीन लोगों ने यहाँ पे बाई किया, तो अब 80 लाख पे यहाँ पे बेचना शुरू किया। तो फिर बायर की संख्या कम हो गई, तो बायर की संख्या कम हुई, तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि 80 लाख के बाद मैं अभी आपको यहाँ पे देता हूँ इसको 50 लाख में। यानी इन्होंने सेलरों ने यहाँ पे इस संख्या इस फ्लैट की कीमत गिरा दी। और फ्लैट की कीमत गिराने के बाद जो है यहाँ पे जैसे ही 100 फ्लैट थे आपके पास, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पे मैं बताऊँ, ये 100 100 फ्लैट थे, तो इसमें से अब आपके 60 फ्लैट बिक चुके हैं। जब जैसे ही रेट इसका 50 लाख आया, तो आपके 60 फ्लैट बिक चुके हैं और प्राइस ये आपका गिर के आ चुका है। यहाँ पे 1 CR का वैल्यू थी, और अब आपके पास जो है यहाँ पे वैल्यू आपकी 50 लाख है, यानी 50% ड्रॉप हो चुकी है। और यहाँ पे बायर बहुत चालाक थे, और जैसे ही मार्केट यहाँ पे आई और जैसे ही यहाँ पे देखा कि अब हमारे पास जो है अब लगता है इसके प्राइस धड़ाधड़ गिरने लगे हैं, मार्केट फ्लैट में ये फ्लैट की कीमत गिरने लगी है। और यहाँ पे लगभग अब यहाँ पे जैसे ही आपके पास आते हैं मार्केट में, लगभग अब यहाँ पे देखते हैं सेलर्स की और भी, यानी फ्लैट के मालिक की, अब यहाँ पे लग रहा है कि इसकी गिरावट बहुत मंदी आने वाली है। तो यहाँ पे इन्होंने प्राइस को ही लेके आ जाते हैं, सीधे यहाँ पे लेके आ जाते हैं 50 से 30 पे और 30 से 20 पे। तो 20 पे ले जाने के बाद फ्रेंड्स जो बात करूँ, तो यहाँ पे मार्केट आती है, और मार्केट आने के बाद जैसे ही 20 लाख पे आती है और सिर्फ ओनली एक से दो यहाँ पे फ्लैट रह जाते हैं, तो बायर्स क्या करते हैं कि इसी चीज़ का वेट कर रहे थे, इसको ड्रॉप कर रहे थे। और ड्रॉप करने के बाद जो है यहाँ पे मार्केट ने इसको, बायर्स यहाँ पे आते हैं और इस फ्लैट को कीमत को 20 लाख और 30 लाख में खरीद के रख लेते हैं। 20 से 30 लाख की फ्लैट, यानी 1 करोड़ की कीमत की जो फ्लैट थे हमारे, यहाँ पे 20 से 30 लाख में हमारे पास खरीदारी होती है। और इस तरह से मार्केट जब यहाँ पे बायर आते हैं, तो अब इनका लॉस कितना जाएगा, 20 से 30 लाख। इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर जो होते हैं, इस तरह से स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट काम करती है। और यहाँ पे बायर बैठे होते हैं, और बायर ने 20 से 30 लाख में उठाया, क्योंकि इनको मालूम था यहाँ पे आएगी मार्केट और सेल, यहाँ पे सपोर्ट है, मार्केट ने सपोर्ट लेगी और यहाँ से उठ जाएगी इसकी वैल्यू, मकान की फ्लैट की कभी भी इतनी अधिक नहीं गिरेगी। तो जैसे ही इन्होंने 20 से 30 लाख लिया, अब यहाँ पे हो गया कि सारे के सारे जो फ्लैट हैं यहाँ पे ये बिक चुके हैं। अब यहाँ पे अब डिमांड आने लगी, अब पब्लिक आने लगी यहाँ पे, तो सारे के सारे यहाँ पे हरियाली और सारी चीज़ें जो प्रोजेक्ट दिखाया था मैनुअली ड्राइंग में, वो प्रोजेक्ट फुलफिल हो गया। सारा लोन फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे मिलने लगी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ मिलने लगी, तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ मिलने लगी। तो फिर अब इन कीमत में अब इसकी जो कीमत फिर से दोबारा से फ्लैटों की बढ़ने लगी, क्योंकि अब यहाँ पे कोई फ्लैट नहीं है, अब इसमें खरीदार की संख्या बढ़ने लगी। तो जैसे ही यहाँ पे खरीदार की संख्या बढ़ने लगी, तो इसका प्राइस इंक्रीज होने लगे 20 से 30, 30 से 50, 50 से 100। फिर से यहाँ पे जैसे ही मार्केट अप डाउन करते करते यहाँ पे पहुंची, फिर फ्रेंड यहाँ पे CR 1 CR, अब देखा रेजिस्टेंस वाले बंदों ने। अब यहाँ पे अब बात आती है 1 CR की। अब यहाँ पे देखा कि अब यहाँ पे इसकी कीमत फिर से 1 CR पहुंच चुकी है फ्लैट की। अब लोगों ने का सोचा कि अब भैया इससे ऊपर नहीं आएगी। जो पहले वाले सेलर्स थे, यानी फ्लैट के मालिक थे, उन्होंने सोचा कि अब इसकी कीमत यहाँ से नीचे ड्रॉप होनी शुरू हो जाएगी, इससे पहले हमें इसको यहाँ पे बेच देता हूँ। तो कुछ लोग ने यहाँ पे बिकवाली शुरू करी, और बिकवाली शुरू करने के बाद जो है अपना उन्होंने कहा 1 CR का मैं ना बेच के मैं यहाँ पे बेचता हूँ इसको 80 लाख और 30 लाख, यानी 70 लाख में। तो कुछ सेलर्स यहाँ पे आए और हल्का सा मैनिपुलेट किया, और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ने जो है अपना पोजिशन बना के रखी, उन्होंने अपने फ्लैट को बेचा नहीं। उन्हें पता चल चुका था कि यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट आ रहा है, और प्रोजेक्ट आने के बाद जो है यहाँ पे एक हाईवे निकलने वाला है, मॉल आने वाला है, या फिर कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आएगा, तो
तो यहाँ पे देख जैसे ही देखा तो यहाँ से मार्केट एकदम से फ्लैट फ्लाई करके गई और इसको इस रेजिस्टेंस को उड़ा दिया। यहाँ पे 1 CR का जो फ्लैट था आपके पास, यहाँ पे 1.5 से लेके 2 CR का फ्लैट हो चुका। तो अब ये चीजें होती हैं, तो यहाँ पे इसने अपना रेजिस्टेंस को ब्रेक किया और लास्ट जो हमारा सपोर्ट बना, अब जो है इसकी कीमत यहाँ तक रहेगी, ये सपोर्ट है जो कि 80 लाख, आपका 80 लाख इस फ्लैट की कीमत थी, और यहाँ पे अब सीधे जो है 1 करोड़ की जो कीमत थी वो बढ़ के सीधे 2 करोड़ रुपए हो गई। तो यहाँ पे इसने बहुत अधिक पैसा बनाया और फिर यहाँ से ये बिकवाली शुरू करता है। और फिर मार्केट जैसे ही यहाँ पे फ्रेंड्स डाउन आनी शुरू करती है, तो यहाँ से डाउन आने के बाद जो है यहाँ से फिर से इंस्टीट्यूशन ट्रेडर यहाँ पे लेकर आते हैं 80 लाख पे, फिर से यहाँ पे बिकवाली शुरू हो जाती है कि बहुत अधिक रेट हो गए, अब यहाँ पे बेचना शुरू कर देते हैं लोग और यहाँ से मार्केट को फिर से अप करते हैं। तो ये साथियों क्लियर कट मैं बताऊं कि आपके पास जो है इस तरह से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस काम करता है, और यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर और स्मार्ट जो ट्रेडर्स होते हैं इस तरह से वर्क करते हैं। तो आज मैं समझता हूँ कि आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस का फंडा क्लियर हो गया होगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किसको कहते हैं और किस तरह से यहाँ पे वर्कआउट करता है। तो जिस तरह से मैंने आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बताया, ये आपका रेजिस्टेंस है और ये आपका सपोर्ट है। अब मार्केट ने जैसे ही आपके सामने उठी और आपको एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको यहाँ पे बताया, अब जैसे ही एग्जांपल के तौर पे आप यहाँ से टकराया और इस तरह से मार्केट जब आ रही है ऊपर से नीचे ड्रॉप होती हुई, तो ये आपका सपोर्ट S1 और ये R1, यहाँ को इसको हम बोलेंगे R, ये बोलेंगे R2। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, और जैसे ही मार्केट ने यहाँ से ड्रॉप हुई और इस तरह से आई और यहाँ से ड्रॉप होने के बाद जो है ये S1। जब कोई मार्केट एक बार अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट करती है तो दूसरी बार टेस्ट करेगी तो 100% वहां से कुछ ना कुछ ड्रॉप करेगी मार्केट, यानी वहां से सप्लाई आएगी, और जैसे ही सपोर्ट में होगा सपोर्ट पे मार्केट आएगी। एक रेंज होती है साथियों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम एक रेंज के तौर पर काम करते हैं, और यहाँ पर जैसे ही रेजिस्टेंस टूटता है, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि जब कोई यूरो USD, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, USD, यहाँ पे यूरो USD की बात करें तो आपको एक देश की करेंसी यानी एक कंट्री की करेंसी और दूसरे देश की करेंसी में कंपेयर होता है, फाइट होती है, जिसकी इकोनॉमी और जिसको करेंसी मजबूत होगी यानी आपका यानी इकोनॉमी बढ़ेगी यानी उसकी वैल्यू किसी भी करेंसी की वैल्यू बढ़ेगी तो उस हिसाब से बढ़ेगा यानी मार्केट अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो अब यूरो की वैल्यू बढ़ती है USD की अपेक्षा, तो यहाँ पे मार्केट अपसाइड में जाती है। तो अप साइड में जाएगी तो यहाँ से जैसे ही आपको न्यूज आने वाली होती है या कुछ भी आपको देखते हैं जैसी न्यूज आने वाली होती है, तो ये रेजिस्टेंस आपका ब्रेकआउट होता है न्यूज के समय ही, क्योंकि यूरो की वैल्यू यहाँ पे बढ़ जाती है। यूरो की जब वैल्यू बढ़ेगी तो ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, और ब्रेक होने के बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई प्रोजेक्ट आने के बाद, डिमांड आने के बाद ये टाइम जो होता है ब्रेकआउट हो जाता है और यहाँ से नया रेजिस्टेंस ऊपर बनाती है, और उसके बाद जो है मार्केट नीचे आएगी, और जैसे ही नीचे आती है इस तरह से नीचे ड्रॉप हुई मार्केट ने, यहाँ से इस रेजिस्टेंस से ड्रॉप होती होती नीचे आ रही है, और जैसे ही यहाँ से कोई सपोर्ट, अगर यहाँ पे USD की वैल्यू बढ़ती है, USD की वैल्यू बढ़ेगी तो ये सपोर्ट ब्रेक करेगी इसके यूरो के अपेक्षा। तो यहाँ से फिर से अब मार्केट ड्रॉप होने लगी तो ये नया सपोर्ट बन जाता है, और इसका जो हमारा जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक जोन होता है। जहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो सपोर्ट में हमारे पास बायर्स होते हैं, ये जोन कहलाता है, और आपका रेजिस्टेंस में सेलर्स होते हैं, ये जोन कहलाता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस आज मैंने आपको थ्योरी में एग्जांपल के रूप में भी बताया कि बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर किया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया तरह से समझ में आया होगा, और रेजिस्टेंस और सपोर्ट की परिभाषा यानी वैल्यू आपको आज क्लियर हो गई होगी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम कहते किसको है। तो फ्रेंड्स चलिए अब इसको हम चार्ट में अप्लाई करते हैं कि चार्ट में हम किस तरह से वर्कआउट करते हैं इसको और किस तरह से देखते हैं। तो चार्ट की बात करते हैं साथियों, ये जो जोन है आपका, यहाँ पे इसने बनाया सपोर्ट जोन, ये रेजिस्टेंस है हमारा,
और रेजिस्टेंस जोन पे जाते ही मार्केट, मैंने क्या कहा था कि जब मार्केट एक बार टकरा के नीचे आती है तो यहाँ पे आपके पास ये मार्केट R1 है, और उसके बाद जो है मार्केट ने जैसे ही ये मार्केट यहाँ से गई और इसको यहाँ से करने के बाद यहाँ टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद मार्केट नीचे ड्रॉप आई। तो ये पहला टेस्ट, और दूसरा टेस्ट, दूसरे टेस्ट पे R2 हो गया हमारा। तो R2 के बाद जो है दूसरे टेस्ट पे 100% हमें उसका रिजल्ट मिलता है। सपोर्ट की बात करें तो अब देखिए यहाँ से जैसे ही मार्केट ने मूव किया तो ये एक सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद जो है यहाँ पर मार्केट ने अपसाइड दिया। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो जहाँ पर अगर हमारे पास एंट्री रूल और होते हैं रूल्स होते हैं वो आने वाले टाइम में बताऊंगा, आने वाली वीडियो में बताऊंगा, आज खाली सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर बात करते हैं। एक एक करके धीरे धीरे आपका इस सारा स्टेप यानी क्लियर करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने आपको बताया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरह से वर्कआउट करता है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, और दिखाता हूँ मैं आपको एग्जाम्पल। ये देखिए साथियों कितना अच्छा एग्जाम्पल है आपके पास। यहाँ मार्केट अपसाइड में जा रही थी, अपसाइड में जाते जाते यहाँ पे इसने अपना एरिया बनाया, ये जोन बनाया, और यहाँ से इसके बाद जो है जैसे ही मार्केट यहाँ आई यह आपका R1 हुआ, और R1 के बाद फिर जैसे ही इसको टेस्ट करने गई और टेस्ट करने के बाद ये R2 हुआ, और R2 के बाद जो है इसने यहाँ से सीधे मार्केट को ड्रॉप किया। यहाँ से कितना अच्छा मूव मिला आपको ये आप देख रहे होंगे। इस तरह से हम R1 और R2 सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करेंगे। अब देखिए साथियों यहाँ से मार्केट अप गई और फिर डाउन गई, फिर इसने अपना एक जोन बनाया, और ये जोन बनाने के बाद फिर से मार्केट यहाँ से आई और फिर मार्केट अपसाइड में। अब ये देखिए कितना मार्केट ने मूव ऊपर लिया। ये हमारा सपोर्ट हुआ, ये हमारा रेजिस्टेंस हुआ। तो ये आपका S1, सॉरी ये आपका S1 हुआ, जो ये पहला S1 और ये S2। तो S2 पे हम ट्रेड करते हैं, और किस तरह से प्ले करेंगे, उसका रोल क्या है, मैं आने वाले वीडियोस में आपको क्लियर करूंगा। ये आप यहाँ से क्लियर करके आप देख चुके होंगे कि किस तरह से मार्केट ने यहाँ से अप और डाउन सपोर्ट और रेजिस्टेंस को वर्कआउट करता है। किसी भी रेजिस्टेंस को ट्रेड करने के लिए वंस एक से दो बार वो टेस्ट करती है, यानी फर्स्ट टाइम जो टेस्ट करी उसके बाद दूसरी बार वहाँ पर कोई मेरे को इंडिकेशन मिलता है तो वहाँ पर मैं उसको ट्रेडेबल बनाता हूँ। और सपोर्ट में भी सेम वैसे ही, एक बार दो बार, तो उसके बाद जो है फ्रेश 2 बार में हम उसको विनिंग चांस मैक्सिमम रहता है हमारे पास फ्रेंड्स। और आगे देखते हैं एग्जाम्पल। ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है सपोर्ट का। ये जोन बनाया आपने, ये जोन देख रहे होंगे आपके पास जो है, ये डिमांड जोन है। आगे हिस्ट्री में दिखाऊंगा तो मैं आपको डिमांड और सप्लाई के कॉन्सेप्ट में, यहाँ से मैंने बाई भी कॉल दी थी अपने टेलीग्राम ग्रुप में। तो ये जो है आपके पास यहाँ पे देखिए इंगल्फ मिला एक बहुत प्यारा सा, लोगों को मैनिपुलेट किया बायर्स ने, यहाँ से ड्रॉप की, और ड्रॉप करने के बाद मार्केट सीधे ऊपर को अपसाइड में निकल चुकी, और बहुत तगड़ा मूव आया था ये देखिए। ये देखिए साथियों कितना प्यारा एक और एग्जांपल मिला। इस तरह से मार्केट गई अप गई, इसने यहाँ से ड्रॉप किया यानी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई है। तो ये आपका हुआ R1। अब R1 के बाद जो है फिर से मार्केट ने इसको, ये आपका एरिया जोन हुआ जो इसको टच करी, और फिर से यहाँ से इसने मार्केट को यहाँ से टच करने के बाद देखिए मार्केट कहाँ पर है। तो इस तरह से फ्रेंड्स ये R2 हो गया, ये R1 हो गया। फ्रेंड्स इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको बहुत ही सिंपल भाषा में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और कैसे ड्रॉ करते हैं ये आपको बताया, और ट्रेडेबल कैसे बनाते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। जो फ्रेंड्स इस वीडियोस में नए हैं इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, जिससे कि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन बहुत जल्द आपके पास मिल सके, कोई वीडियो आपको मिस ना हो। क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक रियल एफएक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो है रियल ट्रेडिंग एजुकेशन प्रोवाइड करता है। जो साथी ट्रेडिंग को गैम्बलिंग, जुआ, स्कैम समझते हैं वो एज ए बिजनेस समझ के इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे, ट्रेडिंग रियल एफएक्स के प्लेटफॉर्म पे, तो 100% को एज ए बिजनेस ही देखेंगे, ना कि गैम्बलिंग। तो फ्रेंड्स
आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए जो साथी नए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करें, प्यार दें और सब्सक्राइब करें। जो साथी अपने अकाउंट को लॉस कर चुके हैं रियल एफएक्स के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं, लिंक बायो में दिया गया है फ्रेंड्स। और जो साथी नए हैं अगर अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ पर जाके अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। दो बेस्ट ब्रोकर जो इंडिया में वर्क कर रहे हैं ऑक्टाफैक्स और एक्सनेक्स, जिस किसमें भी आपको अपना अकाउंट ओपन करना है आप जाके वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू रियल एफएक्स। धन्यवाद।